अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आज भी इस बात को सुनने के बाद हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, एकजुट नहीं हुए तो ऐसा ही होगा जो दानिश अली के साथ देखने में आया है। ये अंधभक्त और ये आरएसएस के गुंडे, ये नफरती लोग अभी तक तो बाहर ही मुसलमानों की, आम मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे थे, कहीं पर उनका कत्ल कर रहे थे। जब बाहर बाहर जो बीजेपी के आरएसएस के हामी लोग हैं, बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं, ये बाहर बाहर हमले करते थे, जबानी हमले करते थे जो मुस्लिम लीडरान है या दीगर लीडरान है इस बीजेपी पार्टी के अलावा। लेकिन अब जो देखने के सामने आया है बहुत ही शर्मसार है, बहुत ही देखकर तकलीफ हुई। और ऐसी ही चीज़ों को देखते हुए भी कनाडा ने ऐसी पाबंदियाँ लगाई हैं कि मुल्क में तुम्हारे क्या, तुम क्या कर रहे हो, ये वो जो हुआ है मैं आपको अब बताता हूँ। बहुत दुख हुआ है मुझे भी सुनने के बाद। रमेश नाम के बीजेपी के एक मंत्री ने एक तुच्छ गली मुली से उठाकर इनको भवन में बैठा देते हैं, पार्लियामेंट में बैठा देते हैं। वहाँ पर कुंवर दानिश अली जो बीएसपी से मंत्री हैं, विधायक हैं, इनको उल्टी सीधी गालियां दी गई, उल्टी सीधी वहाँ पर स्पीकर के सामने गाली दे रहा है ये रमेश रंका, बीजेपी का जो मंत्री विधायक है। ये मंत्री विधायक कुछ नहीं है बल्कि गुंडे हैं जो मुल्क को नफरत की आग में ढकेलना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि इस मुल्क के हालात कुछ और ये बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। क्या क्या कहा है, कटुए मुल्ला मारने की धमकी, जिसको देखते हुए मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी मची है, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी दानिश अली से मिलने के लिए पहुँचे हैं। भाई कितनी दुख और तकलीफ की बात है। और कुंवर दानिश अली ने मीडिया को जो इंटरव्यू दिया है, हकीकत में जब उन्होंने बातें कही हैं तो उनके आँखों से भी, उनके दिल से भी आप खुद सुनना, आंसू निकल रहे थे और बहुत ही तकलीफ दे आवाज़ उनके मुंह से निकल रही थी। और एक ही बात उनकी थी कि जब एक सांसद का, एक मंत्री का ये हाल है कि मुझे मारने की धमकी कहाँ दी जा रही, पार्लियामेंट के अंदर दी जा रही है, तो एक आम नागरिक का, हिंदुस्तानी का क्या हाल होगा या आम मुसलमान का क्या हाल होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दानिश अली ने एक बात ये कही कि मैं अब इस्तीफा देने के ऊपर विचार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इन गुंडों को वहीं पर जवाब देना चाहिए। और आपसे कहना यह है कि भाई अब मिलकर सबको एकजुट होकर इसको, इस गंदी हुकूमत को हटाना है और मुल्क की तरक्की के लिए किसी अच्छे अच्छे लोगों को चुनना। दोस्तों आप क्या कहेंगे इन गुंडों के बारे में, रमेश नाम का गुंडा है, ज़रूर बताएं। और ये भी लिखें जहां पर भी सोशल मीडिया पर आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, कि इसको गिरफ्तार किया जाए, आवाज़ बुलंद करें ताकि ऐसी गुंडागर्दी हमारे मुल्क से ख़त्म हो। चैनल को सब्सक्राइब भी लास्ट में ज़रूर कर लें।